सब्सक्राइब कीजिए शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और सर्वे न्यूज, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले न्यूज है आज की ये कि वर्चुअल असिस्टेंट आ चुके हैं बहुत सारे 2018 में, तो बिक्सबी, गूगल असिस्टेंट, अमेजोन का एलेक्सा और जो एप्पल की सीरी। तो इस साल बहुत ज़्यादा होने वाला कंपटीशन, मगर गूगल असिस्टेंट और एप्पल की सीरी बहुत सारे फ़ोनों में है तो टॉप पे तो वही रहेगा, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आसूस की तरफ से, आसूस लेके आ रहा है अपना नया फ़ोन ज़ेनफोन 5, मॉडल 5 होगा, जो 18:9 रेशियो होगी इसकी डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा। आसूस पहले इतनी चली नहीं, तो देखते हैं अब ये जो इसने नया फ़ोन निकाला है इसमें कैसा रहता है आसूस का। जियो ने के आ रही है बहुत सारी न्यू स्कीम्स, अब ये कह रही है 200% दे के कैशबैक 799 के रिचार्ज में, तो देखते हैं कैसा रहता है ये जियो का और बताए मेरे को कि इसका नेटवर्क अभी भी वैसा है कि नहीं। नेक्स्ट न्यूज है ये सैमसंग लेके आने वाला है अपना J8, देखते हैं 2018 या 2019 में लेके आता है, जैसे कि S9 रिलीज होने वाला अभी थोड़े दिनों में, मार्च तक शायद रिलीज हो जाए S9, तो देखते हैं J8 इस साल आता है या अगले। अगली न्यूज है ये कुछ सैंडिक्स पहले बनाता था पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह, अब ये लेके आ रहा है सी टाइप के फ्लैश ड्राइव सैंडिक्स के 1 TB से, कह रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट ड्राइव होगी अब तक की, 1 TB इसकी स्टोरेज होगी, तो देखते हैं ये कब आती है। अगली न्यूज है ये नोकिया की तरफ से, लास्ट ईयर नोकिया ने तो कुछ इतना कुछ कर नहीं पाया अपने नए फोनों के साथ, अब नोकिया लेके आ रहे अपना 7, पता नहीं 7 प्लस, तो देखते हैं ये फोन कैसा रहता है। पिछले साल लॉन्च कर दिया था इन्होंने चाइना में, मगर अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, 2018 में कह रहे हैं लॉन्च करेंगे, तो देखते हैं नोकिया इस बार कैसा रहता है। तो अगली न्यूज़ है Redmi 5 की तरफ से, Redmi 5 होने वाला है 14 को लॉन्च ऑफिशियल साइट पे, तो देखते हैं Redmi 5 कैसा रहता है, और बजट तो इसका कह रहे हैं 8000 तक आ जाएगा ये, तो देखते हैं कैसा रहता है Redmi 5। तो अगली न्यूज़ है WhatsApp की तरफ से, WhatsApp लेके आ रहा है अपनी ग्रुप कॉलिंग, अब आप ग्रुप में भी कर सकते हैं कॉल सबको कनेक्ट करके जैसे होता था पहले हाइक में, अब WhatsApp भी लेके आ रहा है ग्रुप कॉलिंग, तो देखते हैं ये ग्रुप कॉलिंग कैसी रहती है और कैसी चलती है ग्रुप कॉलिंग, तो मुझे बताएं ये सही है कि नहीं। Flipkart लॉन्च कर रहा है अपना इन्फिनिक्स नया फ़ोन S3 इंडिया में 12 तारीख को, तो इसका प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 430, तो देखते हैं कैसा रहता है ऑक्टाकोर जो कि प्रोसेसर होगा, और ये दो वेरिएंट में आएगा, एक 64GB रैम और एक 64GB इंटरनल और 3GB रैम, तो देखते हैं कैसा रहेगा। एक प्रोडक्ट होगा इसका 8000 रुपीज़ का और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो इसका 11000 रुपीज़ का, तो देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप परचेस करेंगे। 12 फरवरी को रिलीज़ होगा ये फ्लिपकार्ट। तो अगली न्यूज़ है ये HTC की तरफ से, HTC ने लॉन्च कर दिया अपना U11 Plus जो इंडिया में होगा 56,990 का, तो देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, S2S डिस्प्ले होगी इस पे, कह रहे रिलीज करेंगे फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो देखते हैं कैसा रहता है ये स्मार्टफोन। तो अगली न्यूज़ है 5G की तरफ से, 5G आने वाला है बहुत जल्द ही, मगर कह रहे हैं कि वो लॉन्च होगा 2019 में, मगर 2018 के मिड में भी हो सकता है, क्योंकि एयरटेल वगैरह कंपनी ने शुरू कर दिया अपनी टेस्टिंग अपने फ़ोन और अपने सिम में लाने के लिए, जो इसके नेटवर्क है उसमें 5G सपोर्ट हो, तो देखते हैं कैसे रहते हैं, मगर जब 5G आएगा तो 5G उनके लिए फ़ोन भी होने चाहिए, तो देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है क्वालकॉम की तरफ से, क्वालकॉम कह रहा है कि अगले साल उन्होंने कर लिया एग्रीमेंट अपने सारे फ़ोनों के साथ, कंपनियों के साथ जो बनाए गए 5G नेटवर्क पे फ़ोन, देखते हैं ओप्पो, ZTE, एक्सोमी, शोमी, लेनोवो और कई कंपनियां जो चाइना में बनती है, उन्होंने कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट साइन कि लॉन्च होने वाला है 5G 2019 में स्मार्टफोन, 2019 तक शायद सब स्मार्टफोन में आ जाएगा 5G। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले बार मैं लेके आऊँगा और सारी न्यूज़, तो बने रहे हमारे साथ और कमेंट में बताएं कि अगली न्यूज़ मैं किसके ऊपर लेके आऊँ।